हेलो इब्री स्टूडेंट, आपका टीचिंग टीम में स्वागत है। मैं रविंद्र सर, आपको आज हम पढ़ाएंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री। आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं न्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में आप जाने हैं सब कुछ, जिसमें न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, उसके आला फंक्शनल और उसकी कमियां या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम आरएनए और डीएनए के बारे में संपूर्ण जानकारी रखें। अब हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें आपको मेडिसिन के बारे में बताया जाएगा, मेडिसिनल यूज क्या है ना, उसका एज ट्रीटमेंट क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके यूज करने से हमें बेनिफिट क्या है। जैसे आज के समय में ड्रग जो है, मेडिसिन जो है, वह सभी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जो भी है, हमको लगता है ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पैरासीटामॉल या डोलो या जो भी एस्पायरिन, लगभग दवाएं मिल जाती होंगी। लेकिन यह विशेष ध्यान रखना है, उसका इफ़ेक्ट भी है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी है, कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान है, ठीक है। इसलिए जो भी दवा यूज आप करें, उसके अच्छे एक्सपर्ट, किसी डिजीज के जो एक्सपर्ट डॉक्टर हों, हम उनसे जानकारी या सलाह लेकर ही किसी दवा का प्रयोग करेंगे, वैसे यूज नहीं करेंगे। या झोला छाप डॉक्टर जो आजकल फैले हैं, उनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो हाई डोजेज देते हैं, जिससे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं वह बहुत नॉर्मल वे पे हैं ना, इतने नॉर्मल हैं कि वह हाई डोजेज जब दवा देंगे तो उसका इफ़ेक्ट इतना अधिक होगा कि वह नुकसानदेह होगा, ठीक है। तो आप हेडिंग डालें या स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री है क्या, ठीक है, और मेडिसिन कैसे बनती है, उसका निर्माण क्या होता है, उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है ना, सभी पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब आता है ड्रग के बारे में, ड्रग है क्या ना, दवा, ड्रग मीन्स दवा, और दवा आज के सभी के, ऐसा कोई छोटे से छोटा बच्चा लेके बड़े से बुजुर्ग तक, या एनिमल से लेकर आला, छोटे एनिमल से ले बड़े तक, सभी को प्राइमरी प्रोडक्ट बन गया है दवा। हल्का सर दर्द किया तो दवा लेना ही लेना है ना, हल्का साइड इफ़ेक्ट हुआ तो कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, तो दवा का मुख्य ध्यान रखते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि फिजिकल वर्क ना करना बच्चों का, जब बच्चे फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट होगा ना। और आज तो दुनिया ऑनलाइन ज़माना है, सब व्यस्त हैं ना, और जब वर्क करेंगे नहीं तो दवा की ज़रूरत होगी, और दवा की जब ज़रूरत होगी तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे और स्टार्ट करेंगे। मेडिसिन है क्या, ठीक है, मेडिसिन एक लो मॉलिक्यूलर वेट है, लो मॉलिक्यूलर मास है, उसका एक माइक्रो एलिमेंट है, माइक्रो नहीं, माइक्रो एलिमेंट, और उसका बायोलॉजिकल रिस्पांस है, इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पांस ना, जिसमें लो मॉलिक्यूलर मास है। देखो बच्चों, केमिकल जो है यह लो मॉलिक्यूलर मास है, इंट्रैक्स माइक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट लेके चलता है ना, इफेक्ट मैक्रो पे करता है, और इसका बायोलॉजिकल रिस्पांस होता है, इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है। और यह यूजफुल भी है और मिसयूजफुल भी है, इसका अधिक सेवन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह नुकसानदेह भी है ना। अगर यह हमें क्या करती है, प्रिकॉशन से बचाती है, प्रिवेंट हमारी करती है, सुरक्षा करती है ना, और ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। और यह जब कोई एंटीजन हमारा, फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में इंटर करता है, तभी तो हमें अनुभव होता है कि हमें फीवर है या कोई समस्याएं हैं। जब तक फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन एक पॉइजन है, जब इंटर करेगा तभी तो पता चलेगा कि हमें कोई डिजीज हुई है। अब हम उस डिजीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे कम करने के लिए, उसके प्रभाव को सप्रेस करने के लिए, हम उससे हाई टॉक्सिक लेते हैं ना, क्या लेंगे, पावरफुल पॉइजन लेंगे। जब पावरफुल पॉइजन लेंगे तो वह उसके सप्रेस कर देगा ना, बट
और अधिक सेवन करने से वह हमारे बॉडी आर्गन को भी इफेक्ट करता है। देखो हाई डोजेज नहीं लेना चाहिए कभी भी, जितना डॉक्टर बताएं वही सेवन करें और स्वतः दवा लेकर नहीं खाना चाहिए। इसलिए डॉक्टर की सलाह मुख्य जरूरी है और उसे प्राइमरी रखना चाहिए। और उसके बाद आता है आपका कीमोथेरेपी दिया है, उसमें हाई टॉक्सिक यूज करते हैं ना, मोस्ट पॉइजनस होता है, एक कैंसर के लिए है कि जिस तरह से इसका नाम है कीमो। कीमो केमिकल का यूज करते हैं, थेरेपिस्ट प्रभाव या इफेक्ट। और हाई केमिकल यूज करते हैं कैंसर सेल में, क्योंकि उस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जब तक हम हाई टॉक्सिक मटेरियल नहीं लेंगे तो वह हमें साइड इफेक्ट भी करता है। जैसे कीमोथेरेपी हम या तो ओरल ले सकते हैं, या बाय इंजेक्टेड ले सकते हैं, या ट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं। उसका 3 फार्मूला होता है, ओरल लेंगे या उसे सप्रेस हाई लाइट या एनर्जी देके उसे दबाया जाता है ना, तो उससे साइड इफेक्ट होता है, कहीं कहीं सेलें निकल जाती हैं या उसका प्रभाव होता है, स्किन जल जाती है ना? तो इसीलिए बचाव करना चाहिए। और कैंसर एक घातक बीमारी है, उसके प्रिकर्शन के लिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसा पदार्थ ना यूज करें जो आजकल बच्चे गुटखा उठ खा रहे हैं या पान यूज कर रहे हैं ना, सुरती सुपारी या टोबैको से बचना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं ड्रग का इंटरेक्शन कैसे होता है, जुड़ाव कैसे होता है, वह कैसे बाइंड करता है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ड्रग का इंटरेक्शन, आप सब हेडिंग डालेंगे ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है, उसका जुड़ाव कैसे होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है जो एंजाइम से बाइंड करता है या प्रोटीन से उसका लिंक होता है ना, इस फार्मूले को हम जानेंगे। इसका मुख्य इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन जो होता है, लगाव वह किससे होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन जो है, अगर आप सेल थियरी पढ़े होंगे, तो उसमें फार्मूला है, सेल मेम्ब्रेन का फार्मूला दिया गया, ये लिपिड होते हैं, ये बाई लिपिड होते हैं। बाई लिपिड इसलिए कहा जाता है कि 2 लेयर होती है लिपिड की, एक और 2, और अपर जो पार्ट पाया जाता है ये प्रोटीन होता है। तो जब भी कोई डिजीज इंटर करेगा, एंटीजन इंटर करेगा, तो बाइंड किससे करेगा, अपर लेयर क्या है आपकी, प्रोटीन, तो यहीं से एंटीजन बाइंड करेगा, या इसे फॉरेन पार्टिकल कहेंगे। और यही अंत में जाकर डिजीज का निर्माण करेगा, क्या करेगा बच्चों, डिजीज। जिससे बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। पहली वरीयता क्या होती है, जब कोई डिजीज इंटर गया तो हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि स्वतः निर्माण करती है। पहले जो इम्यूनिटी होती है वह 2 टाइप होती है बच्चों, एक इननेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक होती है इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो होती है 2 होती है, एक एक्वायर्ड होगी बच्चों, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी, एक्वायर्ड होगी, और दूसरी इननेट इम्यूनिटी। पहले तो हमारी बॉडी स्वतः लड़ेगी, इननेट जो होती है बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ इन जन्म से ही प्राप्त होती है, और एक्वायर्ड जो होती है हम जन्म
इन बर्थ, बर्थ के बाद जो हमें मिलती है इन बर्थ, और इननेट में आती है आपकी इसे भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट बैरियर और सेकंड बैरियर। फर्स्ट बैरियर में आपका है एक फिजिकल बैरियर है और एक है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर हमारा वह बैरियर है जैसे कोई डिजीज अब हवा में वायरस उड़ रहे हैं तो हमारी स्किन जो होती है ये फर्स्ट बैरियर में आती है। स्किन है, किरेटिन है, ये सब इन्फ्लामेशन जो होते हैं ये हमारे फर्स्ट बैरियर में आते हैं जिसे हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। ऑल ऑफ डिजीजेज इंटर करते हैं जैसे मॉइस्ट कंडीशन है ना, हमारी स्किन हो क्या होती है उसके लिए प्रिवेंशन का कार्य करती है, इसके लिए फर्स्ट प्रोटेक्शन जो है हमारा स्किन है ना। उसके बाद जो फिजिकल बैरियर है उसके लिए जो बैरियर है HCL, म्यूकस, सलाइवा, HCL, म्यूकस, सलाइवा जब हम किसी फूड को इंटर करते हैं तो HCL क्या होता है उसी को जला देता है क्योंकि उसका pH जो है बहुत लेस होता है, मोर एसिडिक होता है और मोर एसिडिक के कारण वह पत्थर को भी गला देता है ना, उसके पास ये क्षमता होती है तो वह पत्थर को भी गला देगा। और ये एक्सटर्नल हो सभी होते हैं एक्सटर्नल, और यह आपका इंटरनल है। इंटरनल इंटरनल बच्चों इसमें आपका आ जाएगा फीवर, इन्फ्लामेशन, ठीक है, फीवर, इन्फ्लामेशन, उसके बाद से जो बाय इन बर्थ में हम लेते हैं उसमें होता है दो, एक बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं दोनों जिससे हमारी बॉडी सुरक्षित रहती है। इसके बाद जब यह प्रभावित नहीं होते हैं ये सभी बैरियर जब इफेक्ट नहीं करते हैं बच्चों तब हमें मेडिसिन की दवा ज़रूरत होती है, तब हम ड्रग का की तरफ हमारा झुकाव होता है। ठीक है बच्चों, ये हुआ ड्रग का इंटरेक्शन। अब एंजाइमेटिक इंटरेक्शन होगा क्योंकि जो बाइंडिंग करेगा वह एंजाइम के थ्रू ही बाइंडिंग होगी इसकी ना? जो भी इंटरेक्शन होगा वह प्रोटीन के थ्रू एंजाइम के थ्रू होगा। और एक शब्द कहा गया है आल प्रोटीन आर आल एंजाइम आर प्रोटीन बट आल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, आल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। इसमें देखो सिमिलर ड्रग रिसेप्टर इसमें फॉर्म करते हैं, नेचुरल सबस्ट्रेट एंजाइम काज इफेक्ट करता है एंजाइम बाइंड करके हाँ, और यह एक्टिवेशन का काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है, कैटालिस्ट का, यह क्या करता है रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। एंजाइम के दो मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, फर्स्ट में आपका दिया गया है बाइंडिंग करता है ठीक टारगेट टिश्यू को
टारगेट जो उसका सबस्ट्रेट होगा उससे बाइंड करके वह रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और सेकंड एंजाइम जो वह कन्वर्ट कर देता है ना, फर्स्ट में क्या होता है बच्चों, बाइंड करता है, सेकंड में उसे डिजायरेबल न्यू प्रोडक्ट का निर्माण कर देता है। अब हम उसके फार्मूला बेस पे पढ़ाएंगे एंजाइम इंट्रैक्शन है क्या ड्रग से ना, वह किस साइट पे बाइंड करता है ना, किस तरह से बाइंड करके नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है ना, एंजाइम बाइंडिंग साइट के थ्रू। आपको पहले बताया गया यह क्या है, लो मॉलिक्यूलर मास है, लगभग था 100 to 5000 है। और जो भी मेडिसिन होगी, मेडिसिन मेन फंक्शन क्या है बच्चों, एक ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, डिजीज से हमें सुरक्षा करती है, हमारा प्रिकॉशन करती है, बेनिफिशियल होता है जब सिम्टम को सप्रेस करेगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यह लिविंग बॉडी में ही होती है और इसके प्रभाव से हम यूज करते हैं, और यह बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। आपको शुरू में ही बता दिया गया बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है क्या, और यह जो एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट से जब बाइंड होगा तो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। और एंजाइम का मुख्य फंक्शन क्या है, वह क्या है, कैटालिस्ट ना, क्या जो रिएक्शन है, रिएक्शन को इनक्रीज या डिक्रीज कर देगा ना, या बढ़ा देगा या घटा देगा। और कुछ एंजाइम इतने फास्ट होते हैं कि लाखों सेकंड से भी कम में इतना तेज रिएक्शन करते हैं कि वह लेस टाइम में ही वह करीब 600 गुना फास्ट रिएक्शन करते हैं। और कुछ हैं कि ऐसे सालों पड़े रहते हैं और रिएक्शन नहीं होती है, और बाइंडिंग जो साइट है वह एक्टिव साइट पे ही बाइंड करेगा, कभी भी सबस्ट्रेट जो होगा वह एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, जहाँ पे एंजाइम एक्टिव साइट होगा, बाइंड सबस्ट्रेट, बाइंड सबस्ट्रेट। और जब बाइंड करेगा तो बाइंड करने के बाद प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, प्रोडक्ट। पी फॉर प्रोडक्ट। और इसका फर्स्ट फंक्शन आपको बताया गया एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, बाइंड फॉर एक्टिव साइट, ये आपको बताया गया सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सुटेबल फॉर डिस्पोजिशन पे, या अपने को सुटेबल महसूस करता है बाइंड करने के लिए, ठीक है। और जो एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो उसका रिएक्शन जो है मोर रिएक्टिव होगा। और सेकंड इसका फंक्शन है प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप को प्रोवाइड करता है, मोर फंक्शनल ग्रुप मोर रिएक्टिव है। और उसके फार्मूला बेस अलग अलग हो जाते हैं, न्यू फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसका फार्म चेंज हो जाता है, कोई साइकेट्रिक हो जाएगा, कोई डिप्रेसिव हो जाएगा ना, रेसल के लिए इन्वॉल्व होगा जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे, यह आपको नेक्स्ट फार्म में बताया जाएगा। देखो ड्रग के लिए आपको बताया गया इसका मेन रोल क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन को, और यह एंजाइम इनहिबिट करता है ड्रग को, मतलब कम करता है, इनहिबिट द रिएक्शन एंड प्रिवेंशन का वर्क करता है, प्रिवेंट करता है, सुरक्षा देता है एंजाइम। और अटैचमेंट जो होता है एक्टिव साइट पे होता है ना, अटैचमेंट जो होगा एंजाइम का एक्टिव साइट, जब एक्टिव साइट पे अटैचमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वह उसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देगा, एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर है, कभी कभी इनहिबिट जो होता है, इनहिबिटर जो होते हैं, अटैचमेंट जो उसका होता है एंजाइम का, वह एक्टिव साइट पे ना होकर वह कहीं अदर होता है पार्ट में, तो वही जो है फिर एक्टिव साइट को ही प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे
ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन ऑफ एंजाइम, यही आपको बता रहे थे। देखिए एक्टिव साइट पे जब एक्टिव साइट पे बाइंडिंग होगी, देख रहे हो एंजाइम है, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो रही है, तो सेम स्ट्रक्चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, स्ट्रक्चर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बाइंडिंग हुआ तो प्रोडक्ट का निर्माण किया, नो चेंज शेप एंड साइज, नो चेंज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बट आप यहीं देख रहे हैं एक्टिव साइड पे जो है इनहिबिटर अटैच नहीं हो रहा है, वह किसी और साइड पे हो रहा है, इसी को हम कहते हैं कंपिटिटिव इनहिबिटर, कंपिटिटिव इनहिबिटर। और यह देखिए एक्टिव साइट पे अटैच यहां क्या होगा, नॉट अटैच मेंट ऑफ एक्टिव साइट, जब अटैचमेंट आप एक्टिव साइट पे नहीं होगा किसी अदर प्लेस पे होगा, अदर लोकेशन पे, जब अदर लोकेशन पे होगा तो यह क्या करेगा, यह स्ट्रक्चर को एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। और इसे कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर। इतना समझ में आया, ठीक है। एक्टिव साइट पे जब बाइंड होगा कोई भी सब्सट्रेट तो वह उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा, न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, और जब एक्टिव साइट पे बाइंड ना होकर किसी अदर प्लेस पे बाइंड होगा तो जो प्रोडक्ट होगा वह एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। आप यहाँ देखिए एक्टिव साइट स्ट्रक्चर और यहाँ पे देखिए सी लेवल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं टारगेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर के बारे में। अब यह कैसे बाइंड करता है इन सेलुलर मेम्ब्रेन के थ्रू, या मेम्ब्रेन से बाइंड कैसे होता है, या प्रभावी या इंटरनल उसका इनसाइड एंट्री कैसे होती है, ठीक है। और ड्रग का स्ट्रक्चर जो होता है, इंट्रैक्शन कम्युनिकेशन जो है, ड्रग इसकी मोर एफेंटी होती है बाइंडिंग साइड। और इसी को हम ड्रग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये होता है पैराबेंजोइक पैरा एसिटिक बेंजोइक एसिड। और इसके एग्जांपल हैं निकोटिनिक, गाबा, ग्लूटामिक एसिड, या सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड करता, सिंथेसिस करता है, और फोलिक एसिड क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए जो महिलाएं होती हैं कभी कभी आप देखिए उन प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं उनके लिए फोलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, इसीलिए क्योंकि जो फीटस होता है वह भी न्यूट्रिएंट जो होता है पोषण माता से ही प्राप्त करता है, इसलिए फोलिक एसिड दिया जाता है जिससे ब्लड या न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर डेवलप हों।
एक्स्ट्रा सेलुलर जो मेम्ब्रेन होती है बाहर की मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन आपको बताए उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर की एक्स्ट्रा बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसी से अटैचमेंट होता है ना, जो भी डिजीज हो फॉरेन पार्टिकल होंगे उसका अटैचमेंट एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन से ही होगा। और हाइड्रोफोबिक नेचर जो होता है, हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नॉट सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुलनशील नहीं होता। अब इसका देखिए फार्मूला दिखाया गया है, इसमें सेल मेम्ब्रेन दिखाई गई है ना, ये देखिए इंसुलिन है, इंसुलिन एक एंजाइम है, ये रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, ग्लूकोज है, देखिए सेल के थ्रू इंसुलिन आके यहाँ पे अल्फा सेल पे अटैच होते हुए बीटा सेल से इसका निर्माण होता है। इंसुलिन का निर्माण क्या किससे होता है, बीटा सेल से, बीटा सेल से प्रोडक्शन होता है। और देखिए इससे जब बाइंड हुआ न्यू प्रोडक्ट का निर्माण किया, ठीक नए प्रोडक्ट बने, और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से ही बाइंड होता है। उसके बाद इंट्रिंसिक प्रोटीन, प्रोटीन जो होती है सेल मेम्ब्रेन में दो होती है, एक एक्सट्रिंसिक और दूसरा इंट्रिंसिक, और इंट्रिंसिक के थ्रू ही इसकी एंट्री होती है, इंट्रिंसिक के ही थ्रू इसकी एंट्री होगी है, और नया प्रोडक्ट निर्माण करेगा, फिर इसका जो फंक्शन होगा रिफ्लेक्ट करता जाएगा ग्लूकोज का। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, उसका है ग्लूकोज को ब्रेक करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन, और यह होता कहाँ है, लीवर में, लीवर में। और यह डायबिटीज को कम करता है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता, मेंटेन मेंटेन करता, जिससे डायबिटीज का प्रभाव नहीं होता। यही जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो हमें डायबिटीज या शुगर जिसे कहते हैं वह होता है। एक नॉर्मल शुगर जो होती है हमारे 100 ml ब्लड में 80-100 होती है, ठीक है। और इसका अटैचमेंट हुआ, और देखिए इस प्रोटीन से हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर की सेल से हुआ, और एंट्री जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू हुई, अटैचमेंट हुआ, एंजाइम जब सबस्ट्रेट से मिला तो न्यू प्रोडक्ट का देखो निर्माण किया। साइज पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि यह एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा, कहीं एक्टिव साइट पे नहीं होता तो कौन सा इनहिबिटर होता, एलोस्टेरिक। इसका आगे फंक्शन देखेंगे हम, टारगेट इंटरेक्शन क्या है ना, यह टारगेट करके कैसे बाइंड करता है, कोई मॉलिक्यूल आया या सेल आया डिपोलराइज्ड हुआ या पोलराइज्ड करके वह एंट्री करता है, एक्सट्रिंसिक देखिए एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल इंटर हुआ, सेल को इनसाइड प्रेस किया, उसके बाद सेल ब्रेक होके न्यू सेल का फॉर्मेशन किया, ठीक नए पार्टिकल इंटर हो गए, आपके न्यूरॉन्स जो हैं उसी के थ्रू एक कैल्शियम आयन स्ट्रक्चर, कैल्शियम आयन का बाइंडेशन होता है, एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंट्री होती है, एंट्री होती है। एक्टिव साइट पे होती है, एक्टिव साइट पे होती है, मोर इफेक्टिव होती, मोर इफेक्टिव। यह है जो आपके सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं
उसी का फार्मूला कैसे या ट्रांसपोर्ट होता है ना, इंट्रैक्शन कैसे जुड़ता है ना, सेल मेम्ब्रेन से देखिए जुड़ा है ना, इनसाइड प्रेस किया ना, देखिए इनसाइड प्रेस किया ना, उसके बाद ये न्यू सेल का फॉर्मेशन देखो आगे चल के न्यू सेल का फॉर्मेशन की ना, ठीक है। और कैल्शियम चैनल के थ्रू है एंट्री होती है, कैल्शियम चैनल ओपन होगा, सोडियम चैनल अंदर, सोडियम चैनल बाहर, कैल्शियम चैनल, जब कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होगी तो पार्टिकल इंटर करेगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ प्रोटीन ना, अब प्रोटीन के थ्रू एस्टिल कोलिन जो एंजाइम होता है उसी के थ्रू बाइंड करता है, और कार्बोनिक एसिनोड आपका हार्ट में पाया जाता है, सीनो एट्रियल नोड इसे कहते हैं, या कार्डियक इंपल्स को जनरेट करता है ना, या क्या करता है, इंपल्स को जनरेट करता है, इंपल्स को जनरेट करता है, इंपल्स जनरेशन जनरेट करता है, या हाइपर पोलराइज्ड होता है ना, क्योंकि यह बहुत फास्ट मूव से इफेक्ट करता है, एस्टिल कोलिन जो एंजाइम है यह इसे फास्ट मूव करती है। कभी कभी देखिए जब आप एकाएक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को देख लें, जैसे एकाएक आपके पास सांप आ गया तो क्या होता है, या इमरजेंसी वर्क करने लगता है ना, इमरजेंसी इसकी वर्किंग फास्ट हो जाती है, जिससे यह हाइपर हो जाएगा, अधिक बहुत फास्ट, हाइपर मीन फास्ट पोलराइज्ड होगा ना, जब फास्ट पोलराइज होगा तो वर्क भी फास्ट होगा, वर्क बहुत, पोटेशियम और कैल्शियम आयन इस पर मिलते हैं और नए चैनल का निर्माण करते हैं, इससे जब अटैचमेंट होगा इसका मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, ठीक है। ये सब तो हुआ प्रोटीन या ड्रग का इंट्रैक्शन ना, इसका जुड़ाव कैसे होता है ना? अब ऐसी टेक्निक है जैसे यार टेक्निक, ठीक है, या बेसिक इंट्रैक्शन टेक्निक, या रिट्रोसिंथेटिक टेक्निक, या टेक्निक है क्या ना, अब इसके बारे में चलेंगे और हेडिंग आप डालेंगे बेसिक रिट्रोसिंथेटिक अप्रोच क्या है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ठीक है, पोटेंशियल इंटेंसिटी को बढ़ा देता है रिएक्टिविटी को, और सेम मेथड दोनों के लिए, एक प्रिकर्सन के लिए और दूसरा केमिस्ट के लिए, ये टेक्निक केमिस्ट के लिए है, केमिस्ट हम उससे यूज कैसे करते हैं, कोई दवा बनाने के लिए हमें बहुत अप्रोचमेंट करना पड़ता है एंड सिंथेसिस करना पड़ता है प्रोटीन का, इससे निर्माण अधिक होता है ना, मोर सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब किसी का प्रोडक्शन करना ना, या निर्माण करना, जैसे राइबोसोम आपको बताया गया है, राइबोसोम किसका सिंथेसिस करता है, न्यूक्लिक एसिड में बताया गया है, राइबोसोम सिंथेसिस फॉर प्रोटीन ना, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और नए मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, न्यू मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्ट करता है। इसका यही मुख्य उद्देश्य है कि हम नए फार्म कैसे करते हैं, केमिकल फार्मूला, उसका बायोलॉजिकल केमिकल फार्मूला किस बेस पे बनाया जाता है। एक स्ट्रेटजी लेके हम उसका टेकिंग निर्माण करते हैं, नए फार्मूला जब हम इसे क्या कर देता है, या किसी प्रोसेस के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता, ऑल ऑफ सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक द सिंथेसिस हाँ। इसके देखो सम फार्मूला जो फंक्शनल ग्रुप हैं टूटे, इसे सिंथान भी कहा जाता है, क्योंकि फार्मूला का ब्रेक होना रिट्रोसिंथेसिस योरो है ना, रिट्रोसिंथेसिस
ना, दोबारा सिंथेसिस होना, यही है रिट्रोसिंथेसिस, या ब्लॉक करता है सिंथेसिस फॉर्मेशन को, प्रोडक्शन को, या ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक होने का कारण क्या है, उसके फंक्शनल ग्रुप ब्रेक हो जाते हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, बाइंडिंग हो जाते हैं ना। ब्रेकिंग जब होगा ना, यहाँ क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होगा, फंक्शनल ग्रुप ब्रेक होगा। जब फ्रैगमेंट होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा, फ्रैगमेंट टुकड़ों में टूट जाना, जैसे आप इस फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हो, टूट के अलग हो गया ना, न्यू फंक्शनल ग्रुप देखिए बना लिया ना, नया फंक्शनल ग्रुप देखो इसका निर्माण हुआ ना, ब्रेकिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यही रिट्रोसिंथेसिस ना, प्रोडक्शन को ब्लॉक करना या बिल्डिंग को ब्लॉक करना ना, ऑल ऑफ सिंथेसिस ही ना, बेसिक रिट्रोग्रेसिव सिंथेसिस है। यही सेम इसका एग्जांपल दिया गया है आपको, इस फंक्शनल ग्रुप को तोड़ के फेनाल बना रहा है ना, और दूसरा फेनाल है, और इसके फंक्शनल ग्रुप देखो COOH जो है ब्रेक होके अलग हो रहे हैं, या एसीटोन अलग हो रहे हैं ना, इसको आपको बताया ही क्या है, ब्रेक द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। इसे सिंथेलॉन कहते हैं, सिंथेलॉन भी कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप को ब्रेक करना, तोड़ना, नए फंक्शनल ग्रुप का निर्माण करना। जब नया फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसकी इफेक्टिव पे भी प्रभाव पड़ेगा, जैसे फंक्शनल ग्रुप अड या तो एड होगा या ब्रेक होगा, जब भी ब्रेक होगा या एड होगा तो उसके फंक्शन पे प्रभाव पड़ेगा, या मोर फंक्शनलेबल होगा, या जैसे डिप्रेशन की का इफेक्ट कर रहा है तो वह साइकेट्रिक पे इफेक्ट करने लगेगा, उसकी फंक्शनलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, कभी कभी 10-10 से अधिक गुना बढ़ जाती है, 6-10 टाइम मूवमेंट हो जाता है, 6-10 टाइम फास्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें सभी में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ब्रेक ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हम डिस्कवरी पे बात करते हैं, ईजे कोरी नामक साइंटिस्ट थे जो डिस्कवर किए क्या, ड्रग को ना, जिसके लिए उन्हें 1990 में नोबेल प्राइज़ दिया गया ईजे कोरी को। और डिस्कवरी में मुख्य योगदान जो है उनकी हिस्टोरिकल नॉलेज में, उसके खोज में जो पूर्ण योगदान है वह ईजे कोरी का है, जो विश्व का सबसे बेहतरीन पुरस्कार साइंस का जो है ऑस्कर, सॉरी या नोबेल प्राइज़ है ना, ऑस्कर तो इंडस्ट्री के लिए दिया जाता है, वो भी सिनेमा के लिए है सबसे बड़ा प्राइज़, लेकिन साइंस के लिए या चिकित्सा के लिए, फिजिक्स के लिए और साहित्य के लिए और शांति का पुरस्कार जो है या नोबेल पुरस्कार है, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, क्योंकि उन्होंने ड्रग की डिस्कवरी की थी। प्राइमरी एक डिस्कवरी है, दूसरी सेकेंडरी है, प्राइमरी पे हम चर्चा करेंगे पहले। प्राइमरी इन विट्रो होता है, आउट ऑफ होता है, आउटसाइड टेस्ट, और यह काउंटर स्क्रीनिंग होता है, बायो टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि हम किसी भी दवा का इफेक्ट कम करने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए हम उससे हाई टॉक्सिक दवा देंगे तभी वह प्रभावित होगी, क्योंकि शुरुआती स्टेज में जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे, कोई दवा का निर्माण करेंगे या उसका हम प्रयोग करेंगे, जैसे कोविड फैला था तो उसको दवा आने में 1.5 से 2 साल क्यों लग गए, क्योंकि हम किसी दवा का उसके फार्मूले को पहले जानेंगे ना, वह फार्मूला कौन सा फार्मूला उस पर इफेक्ट कर रहा है, कौन सा अधिक प्रभावित कर रहा है और कौन सा कम प्रभावित कर रहा है, फिर उसके हम इफेक्ट को ये जानेंगे कि फिर उसका हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, पहले तो हम सब
पे अध्ययन करेंगे, फिर 500 पे करेंगे, फिर हेल्थी जो इन्फेक्टिव होंगे 5000 पे करेंगे, तब हम उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे, फिर उसके हम फार्मूले के स्ट्रक्चर को जो है ना उसे डेवलप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब हम उसे पैरामेडिकल में लेके आएंगे जो केमिस्ट हैं, फिर उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से फैलाएंगे, ठीक है। यही ड्रग का निर्माण है, निर्माण के बाद उसका हम एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन या केमिस्ट के थ्रू हम उसे फैलाएंगे, उसके स्ट्रक्चर फार्मूले को, जिससे सभी जाने। और क्या, उसका साइड इफेक्ट कम ना, मोर इफेक्टिव हो ना, प्रभावित अधिक हो, उस लेस टॉक्सिक हो, नुकसान कम करे, नहीं तो कितनी दवाएं ऐसे भी हैं जो हमारे न्यू ऑर्गन को डैमेज कर देती हैं, ठीक है। केमिकल सिंथेसिस करेंगे ना, केमिकली उस फार्मूले को सिंथेसिस करेंगे, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, केमिकल कितने उसके मोनोमर लगते हैं, कभी कभी मोनोमर बहुत अधिक लगते हैं, 1 से लेकर 5000 20000 तक लगते हैं ना। उसके बाद SAR फंक्शनल ग्रुप अटैच करके उसे हम जानेंगे ना, फिर फंक्शनल ग्रुप को ब्रेक करके जानेंगे उसका साइड क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितने फंक्शनल ग्रुप अटैच करने पे इसका क्या प्रभाव है, कभी एडिक्शन करते हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कभी रिड्यूस कर देते हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वह इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। फिर हम उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे एज मार्केट में फ्लो करें, तो डिजाइन करने के लिए भी हम उसका एक मानक रखेंगे, ठीक है। फिर उसका हम प्रोटीन लीजेंड डालेंगे, फिर क्लिनिकली कैंडिडेट, कभी कभी आप मार्केट में देखते हो MR जो होते हैं उस फार्मूले को या उस मेडिसिन को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डॉक्टर को एज समझाते हैं कि यह कितनी पावरफुल है इस दवा के लिए या इस डिजीज के लिए कितना इफेक्टिव है ना, इसी पे हम वर्क करेंगे। पहले हम उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर खोज करेंगे, सेकेंडरी में क्या होता है इससे, उसके कारण अवेलेबिलिटी को जानेंगे, फिर हम उसके सिंथेसिस प्रोडक्शन में कितना मोनोमर या कितने केमिकल यूज हो रहे हैं, कितने केमिकल यूज हो रहे हैं, फिर हम उसके एक SAR फंक्शनल ग्रुप को अटैच है एडिक्शन करके हम जानेंगे, फिर उसको हम डिजाइन करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या करेंगे, उसके हम प्रैक्टिकल को प्रिवेंशन करेंगे, 100 से लेकर 5000 पर हम वर्क करते हैं, 100 to 15000 पे वर्क करते हैं। जैसे कोविड की एक वैक्सीन आई थी स्पुतनिक, जो रूस की वैक्सीन थी, हाँ तो गई सबसे पहले, कोविड शुरू हुआ, कोविड के 3 महीने बाद वो उसने वैक्सीन का निर्माण कर दिया, लेकिन उसके जो प्रैक्टिकल थे ना, जैसे हम 5000 ह्यूमन पे, हेल्थी जो ह्यूमन है उस पे वर्क करेंगे, जो उन्हें इफेक्ट करके जितने प्रभावित होंगे, जैसे 100 हैं जिसके ऊपर डिजीज है, तो हम करीब 100 से लेकर 5000 पे इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, उसके बारे में जाएंगे, तब हम मार्केट में उतरेंगे। लेकिन जो स्पुतनिक वैक्सीन थी वह ओनली फॉर 16 लोगों पे एक्सपेरिमेंट की गई थी, 16 लोगों पर ही एक्सपेरिमेंट इसका किया गया था, इसलिए भारत ने शुरुआती स्टेज में उसको वरीयता नहीं दी थी। नेक्स्ट जब उन्होंने इसका प्रैक्टिकल 2000 लोगों पे वर्क किया एक्सपेरिमेंट, तब भारत ने इसे एंट्री दी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यही आपको बताया गया, इसका केमिस्टिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस बताया गया। एंड फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिजाइन हुआ, ये फार्माकोलॉजी में आते हैं ना, उसके एक्सपेरिमेंट हुए, ड्रग के क्या प्रोसीजर हैं ये आपको बताया गया। 4 मेन स्टेज है ड्रग को डिस्कवरी करना, ठीक, प्री की नहीं क्लिनिकल फेज है ना, क्लिनिक के पहले, फिर क्लिनिकल फेज है, फिर रेगुलेटरी फेज आता है, मतलब उसे हम अप्रूवल कराते हैं, इतना तो किए, उसके बाद हम ले भारतीय जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे, फिर उसके बाद हम WHO से भी, डब्ल्यू
WHO से भी इम्प्रूवमेंट कराते हैं। अप्रूवल इसलिए कराया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बिना प्रूफ कराए कोई दवा मार्केट में आती नहीं है, या हो सकता है उसका साइड इफेक्ट हो जब तक उसके इम्प्रूवल को प्रभाव ना किया जाए। इसी तरह से आप देखे होंगे जनरली, अभी लेटेस्ट न्यूज देखे होंगे, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जहाँ से भारत की वैक्सीन गई है, सीरप ना, सीरप जिसे ओरली लिया जाता है, उससे कई बच्चों की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उसका जो साइड इफेक्ट था, एक प्रभाव बहुत ही अधिक टॉक्सिक था, और जिसका अप्रूवल नहीं कराया गया था। अंत में WHO ने उसे पूर्णतः बैन कर दिया, WHO ने बैन कर दिया, जिससे करीब 2000 बच्चों की डेथ हो गई ना? और कब सीरप था, ठीक है, जिथ्राम फायरी ने ऐसे करके है, याद तो नाम नहीं आ रहा है। इसलिए जब तक अप्रूवल ना हो ना, और डॉक्टर वही लिखेंगे जो अप्रूवल होगा, और उसने अप्रूवल कराया नहीं, डायरेक्ट वो विदेश सप्लाई कर दिए, और भारत सरकार भी अप्रूवल बेहतरीन तरीके से की नहीं। उसके बाद आते हैं लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन पे, ठीक है। कंपाउंड का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इस डिजीज के लिए यह कंपाउंड वैल्यू है, इस डिजीज के लिए यह कंपाउंड वैल्यू है ना, उसके बारे में हम जानेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और उस वैल्यू का क्या प्रोसीजर है, जैसे हम सिलेक्शन प्राइम करते हैं कंपाउंड का सिलेक्शन ना, उसका फिर ऑप्टिमाइज करते हैं, फिर क्लिनिकल कैंडिडेट के लिए हम डेवलप करते हैं। जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल है, उसको हम स्क्रीनिंग करके इनहिबिट किए, अलग किए, नेक्स्ट देखो इनहिबिशन ना, सप्रेस करना, रिड्यूस करना प्रभाव को, फिर हम नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर किए, तब हम वैलिडेटेड लीड पाए ना। अभी देखो हम करीब 1000 मॉलिक्यूल लिए, फिर उसमें सम मॉलिक्यूल बचे, फिर मोस्ट लीस्ट मॉलिक्यूल बचे स्मॉल फार्म, फिर यह पता चला, क्योंकि उसका निर्धारण करने के लिए, इंट्रैक्शन करने के लिए, उसके जानने के लिए हम उसका सप्रेस करते हैं, उसे एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देते हैं, उसका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब बिना आइडेंटिफिकेशन के, क्योंकि कोई डिजीज़ है, अगर हमें किसी को डायबिटीज़ है, और इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वह जाके उसे बीटा सेल को सप्रेस करे ना, जिससे वह इंसुलिन का निर्माण करे। अब उसको आप ग्लूकोगन के लिए देने को क्या करेगा ना, अल्फा सेल को इंक्रीज करेगा, अल्फा सेल क्या करेगी, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगी ना। तो इसीलिए इंडिकेशन होता है, एंजाइम से बाइंडिंग करता है, और बाइंड कहाँ करता है, एक्टिव साइट पे करता है, इसीलिए उस पे वर्क किया जाता है ना, कि ऐसे बाइंड या कंपाउंड उसमें यूज किए जाएँ जो ओनली फॉर इफेक्ट ऑफ डायबिटीज या कैंसरस सेल या वायरस सेलेस, बर्सिलेसस सेलेस जो भी हो, उनके लिए मोर इफेक्टिव हो, ठीक है। लीव ऑप्टिमाइज, अब देखो ऑप्टिमाइज करता है इन विट्रो, आपको बताया गया, लार्ज मॉलिक्यूल का हम प्रभाव लीड कंपाउंड के थ्रू करते हैं, इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। देखो हिट द किया जा रहा है इन विट्रो, आउटसाइड पे प्रभाव किया जाता है, फिर उसके एडमिनिस्ट्रेन को प्रभावित किया जाता है, फिर उसका सिंथेसिस किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, फिर डिजाइनेबल किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी हाइपोथेसिस स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या है ना, वह जाके बाइंड कहाँ करेगा, उसके बाद तब उसका पूर्ण फंक्शन प्रोडक्शन होता है ना, सिंथेसिस होता है या निर्माण होता है, ठीक, या आपका बायोसिंथेटिक प्रोसेस। तब उसे हम कॉमर्शियलाइजेशन करेंगे, कॉमर्स मतलब तब उसे हम मार्केट में उतारेंगे ना, जब तक उसका हम संपूर्ण अध्ययन एक्सपेरिमेंट डिजाइन नहीं कर लेते तब तक हम उसे मार्केट में उतारेंगे नहीं ना, नहीं तो हो सकता है उसका साइड इफेक्ट हो जाए, उसके लिए नुकसान हो जाए, कहीं जितना हम बेनिफिट चाहते हैं कहीं उससे अधिक नुकसान हो जाए ना, तब हम उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। इस विधि के थ्रू किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता,
और हाई डोजेज दवा इसीलिए कहा जाता है, जो डॉक्टर पढ़ते हैं या जो MBBS होते हैं नीट के माध्यम से, तो उनसे ही जानकारी लीजिए, क्योंकि उसे उन्हें पर्याप्त वो जानकारियाँ हैं। और जो ओनली फार मेडिकल पे वर्क करके दे रहा है तो उसका साइड इफेक्ट एक तो बार तो आपको रिलीफ कर देगा, तत्काल आपको सप्रेस करके रिलीफ कर देगा, लेकिन बाद में उसका साइड इफेक्ट अदर आर्गन पे अधिक प्रभावित होंगे। अब उसके हम ड्रग के डेवलपमेंट को करेंगे। देखिए आपको यही बताया गया, ड्रग डेवलपमेंट कितने उसके कंपाउंड यूज करते हैं, अप्रूविंग ड्रग होगा, फिर क्लिनिकल रिसर्च पे जाएंगे 5 मालिक्यूल, फिर प्री क्लिनिकल रिसर्च पे जाएंगे 250 लगभग मालिक्यूल, फिर देखो आपको बताया गया 5000 to 20000 डिस्कवरी की जाती है, इतना वर्क उस पर किया जाता है, तब जाके वह एक्सपेरिमेंट उसका सफल होता है और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ाया जाता है ड्रग डिस्कवरी के लिए, नेक्स्ट फिर वर्क किया जाता है, नंबर ऑफ कंपाउंड इतने यूज किए जाते हैं, देख रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, हाँ, तभी उस दवा को यूज में आपके लाया जाता है, जिससे आपके नेक्स्ट इफेक्ट ना करें, ठीक है। यह है ड्रग का डेवलपमेंट एक्टिविटी, तो आपको बताया ही गया है, फिर भी बता देते हैं। शुरुआती प्रेजेंटेशन क्रम ब्राउन और फ्रेशर ने की थी, इसके फंक्शन को डिटरमाइन किए थे, बायोलॉजिकल इफेक्ट जो है इसका H3 था। देखो फंक्शनल ग्रुप सभी अटैच हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग फंक्शन हैं, डिटरमाइन उसे अलग किया गया था, उनके रिलेशन को, मेडिसिनल इफेक्ट को, केमिस्ट को, सिंथेसिस किया गया था, फार्मास्यूटिकल एजेंट के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, है यह इसकी एक्टिव रिलेशनशिप है, प्रभाव है, जिसे मेडिसिन टू केमिस्ट एक्सपेरिमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसे प्रभावित किया गया। अब आते हैं स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप या SAR। या देखो ओरिजिनली फार्मास्यूटिकली एक्टिव होता है कंपाउंड, या एनालॉगस वर्क करता है, फंक्शनल क्या होता है, फंक्शन सेम होता है, एनालॉगस आर्गन क्या फंक्शन होता है, होमोलॉगस का, एनालॉगस मींस उसका फंक्शन तो सेम होगा, फंक्शन सेम बट ओरिजिन डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट होगी, ठीक है, या एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, अनवांटेड साइड इफेक्ट कर देता है, इम्प्रूवल केस इसीलिए पेशेंट को देने से पहले उसे प्रूफ किया जाता है, ना? देखो इसके प्रभाव के कारण साइज और शेप चेंज हो जाता है, साइज और शेप पे प्रभाव पड़ता है, साइज और शेप चेंज हो जाते हैं, नेचर ऑफ डिग्री उसका सब्स्टिट्यूशन अलग हो जाना होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री थ्रू हम उसे ऐड कर देते हैं, हाँ, शेप एंड साइज इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो फंक्शनल ग्रुप बाइंडिंग ऑफ मेथिल ग्रुप ऑफ चेन, या चेन का जो मेथिल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप के अलग होने से एंटीसेप्टिक हो जाएगा और फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वह अलग प्रभाव देने लगेगा, अलग फंक्शन करेगा। अब यही इसी को आप रिएक्शन को देख लीजिए, हाँ इसमें देखिए आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया गया है और एक मेथिल को कम कर दिया गया है, मेथिल को हटा दिया गया है, 1CH3 को रिमूव कर दिया गया है, जिससे दवा जो है यह साइकेट्रिक के लिए प्रभावित है और यह डिप्रेशन के लिए,
यह डिप्रेशन के लिए ओनली फॉर वन फंक्शनल ग्रुप एंड प्लेस ऑफ चेन इन सल्फो को हटा के फंक्शनल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना। देखो सल्फर ग्रुप को हम हटा दे रहे हैं, हटा रहे हैं तो सीधे प्रभावित हो रहा है साइकेट्री के लिए ना, जो मनोरोगी होते हैं, मनोरोगी ना, और जो डिप्रेसिव, जो दबाव के लिए होते हैं ना, या डिप्रेशन के लिए दवा है, डिप्रेशन के लिए, और यह मोर इफेक्टिव हो जाती है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से ही यह क्या हो रही है, दवा का प्रभाव अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो सिंगल बाइंड की डबलिंग थी, अब हम डबल बाइंड पे आते हैं। ठीक है, अब डबलिंग बाइंड पे चलते हैं। डबल बाइंड को ही हम, डबल बाइंड में होता क्या है, अगर हम डबल बाइंड को रिड्यूस करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वह इनक्रीज हो जाती है। बट अगर हम ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो रिजिडिटी इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होगी, या फ्लेक्सिबिलिटी जो है लेस होगी। ठीक है, जब हम डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या होगी, फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होगी, और जब हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और बाइंड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, वंडरवाल, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू यह बाइंड होते हैं, एटम को अटैच करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, और लोअर टोटल एनर्जी होती है ना, और सेपरेशन एटम अलग करते हैं। फुली ट्रीटमेंट में सी कोवैलेंट बॉन्ड, देखो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू यह बाइंडिंग होते हैं। बाइंडिंग रोल ऑफ रिंग, अब इसमें देखो बाइंडिंग रोल, रोल ऑफ बाइंडिंग क्या है ना, इस पर हम प्रभाव करते हैं, इस पर आपको बताते हैं। बाइंडिंग रोल ऑफ रिंग, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे बाइंडिंग रोल ऑफ रिंग, उस पर हम चर्चा करें। उसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देते हैं एक रिंग ऑफ जो होती है ग्रुप की, या साइक्लोपेंटेन की, या हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो होती है उसी को हम ऐड करते हैं। जब उसे बढ़ाते हैं तो नया फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है और नए फार्म होते हैं, जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप है। बाइंडिंग रोल, बाइंडिंग रोल पे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट होता है, एक होगा CH3O, मेथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है CH3O, उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसी को हम चेंज कर देते हैं, चेंज क्या, ये आपका कंपाउंड ए हो गया और दूसरा आपका कंपाउंड हो जाएगा मेथॉक्सी ग्रुप की जगह CH3O यहाँ पे जो है मेथॉक्सी मेथिल ग्रुप को हटाकर एक साइक्लोपेंटेन रिंग जोड़ देते हैं बच्चों, साइक्लोपेंटेन रिंग जोड़। अब इसका जो फंक्शन है वह भी चेंज हो जाएगा, देखिए एक साइक्लोपेंटीन रिंग यहाँ जुड़ गया, मेथिल ग्रुप को हम हटा देते हैं। ठीक, फोर्थ पोजीशन पे जब हम हटाते हैं तो इसके फंक्शन ही पूर्णतः डिफर हो जाते हैं, नई सेल तो बन गई,
नए आपके कंपाउंड बन गए, नए यौगिक बने। जब नए यौगिक बने तो उसका जो है इसके फंक्शन भी चेंज हो गए, एडिक्शन और सब्सिक्शन। अब यहाँ तो एड ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा और यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, यह है बाइंडिंग ऑफ अमीनोसाइड। हाँ देखो यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल होगा, हाइड्रॉक्सिल बाइंडिंग रोल ऑफ रिंग, बाइंडिंग रोल ऑफ रिंग आपको बताया गया, जिसमें मेथिल फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे या ब्रेक होंगे। नए साइक्लोपेंटीन रिंग अटैच होगी या ब्रेक होगी, उससे प्रभाव अलग होगा, सेम फंक्शन चेंज हो गए हैं, सीधे एंटागोनिस्टिक हो जाएंगे प्रभाव। एंटागोनिस्टिक सीधे अपोजिट, कोई प्रभाव को इनक्रीज कर रहा है, कोई प्रभाव को सप्रेस कर रहा है। ठीक है, यही एंटागोनिस्टिक है। जैसे एक कंपाउंड है, एक दवा आपके प्रभाव को बढ़ा रही है, दूसरी दवा उसी प्रभाव को कम कर रही है, इसी को एंटागोनिस्टिक कहते हैं। अब आते हैं हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पे। जब हम हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं बच्चों, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है अटैच करते हैं, तो उसके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर ग्रुप, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगी। यहाँ पे CH2 नाइट्रोजन CH2 थ्राइस एथिल अटैच हो जाता है। और सेम जब हम नेक्स्ट को बनाते हैं, एमाइड का नेक्स्ट फार्मूला जो है, हम फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, जिसमें हम एक मेथिल को एड जो है बढ़ा देते हैं, या एक साइक्लोपेंटीन रिंग जो है हम बढ़ा देते हैं, सल्फर नाइट्रोजन। CH2 N के साथ हम एक साइक्लोपेंटीन रिंग बना देते हैं। CH2, ठीक है, CH3 आ गया। यह एक्टिविटी जो है बढ़ा देगा, एक्टिविटी पे इफेक्ट डालेगा। यह एक्टिविटी को सप्रेस करेगा, एक्टिव साइट को सप्रेस करेगा। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अमीन। अमीनो ग्रुप पे के बाद हम आते हैं बच्चों अमीन ग्रुप पे, अमीन
NH2 अमीन होता है, एमाइड होता है, ग्वानाडाइड होता है, ठीक है। अमीन के जो सप्रेसिव होते हैं, जो उसके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमीन होता है, एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है अटैच, और एमाइड होता है और ग्वानाडीन होता है, ठीक है। उसका प्रभाव होता है, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें अमीन में होगा NH2 प्लस, एमीन होगा एमाइड होगा और होगा ग्वानो और होगा ग्वानिडीन। इनके जो फंक्शन होते हैं जब अमीन एमाइड जुड़ते हैं, या सोलिबिलिटी जो है फैट की, सोलिबिलिटी इन फैट की सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता, डिक्रीज, बट वाटर की सॉल्युबिलिटी को जो है, सॉल्युबिलिटी को इनक्रीज कर देता। इसमें लोन पेयर बॉन्ड होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह क्या करते हैं, जब नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर नाइट्रोजन से अटैच हुए तो वह क्या करेंगे, वह हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब लोन पेयर अब्सेंट होंगे, जब लोन पेयर क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, LP लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नॉट अटैच नाइट्रोजन, तब आयनिक बॉन्ड से अटैच, आयनिक बॉन्ड, ठीक। यही अमीन ग्रुप का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, एस्पायरिन। अब हम दवा के बारे में जानकारी रखेंगे। एस्पायरिन या एस्टिल सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है। इसका मेन जो ट्रीटमेंट में यूज करते हैं वह हम करते हैं पेन किलर के लिए रूप में इसका यूज करते हैं, हेडेक्स में यूज करते हैं। यह क्या होता है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कर देती है ना, जिससे ब्लड में जब कोगुलेंट होगा, थक्का जमेगा, इससे हार्ट अटैक, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक भी होगा, ठीक है। एस्पायरिन का मुख्य ट्रीटमेंट जो है, इसका प्रभाव जो है पेन किलर में करते हैं। पेन किलर में यूज करते हैं, हेडएच में यूज करते हैं, यह क्या करता है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कर देता, एग्रीगेट करता, एग्रीगेट करने से रिस्क ऑफ हार्ट अटैक का प्रभाव बढ़ जाता है, ठीक है। और यह इन्फ्लामेशन का काम करता है, इन्फ्लामेशन में सूजन, कहीं सूजन आती है तो इसका हम यूज करते हैं, या हमें रेगुलर पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो इसमें हम एस्पायरिन का यूज करते हैं, जिसका फंक्शनल COOH अटैच होता है और मेथॉक्सी ग्रुप अटैच होता है ना। एंटीपायरेटिक होती है, एंटी प्लेटलेट्स होती है, प्रॉपर्टी को उसके विपरीत वर्क करती है, जो रोग को दबा देती है, ठीक है। जैसे हेडाइज में इसका यूज करते हैं, पेन किलर में यूज करते हैं, और प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने में यूज करते हैं, जो थक्का बन रहा है उसे
हम फ्लो करने के लिए, नहीं तो थक्का बनने में हार्ट अटैक होता है। इसलिए इसका हाँ पेन किलर में आप यूज करिए, लेकिन एक्सेस आप यूज मत करिए। एक्सेस यूज करने से क्या होगा, प्रॉब्लम यह क्रिएट होगी, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाए। ठीक है, इस बार इन समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं पैरासीटामॉल की तरफ। पैरासीटामॉल ऐसी दवा है जो ऐसा कोई घर ना हो जिसके घर में ना हो पैरासीटामॉल। और कोरोना काल में तो सभी यूज कर रहे थे पैरासीटामॉल, चाहे डोलो के रूप में चाहे पैरासीटामॉल के रूप में। इसलिए ये भी क्या होती है, पेन किलर होती है और यह वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पेन किलर जो है वर्ल्ड वाइड, इसे WHO के थ्रू प्रमाणित अप्रूवल है इसका। ठीक है, एंटीपायरेटिक यह भी होती है, फीवर को कम करती है, पेन एंड फीवर के लिए यह फीवर रिड्यूस द टेम्परेचर करता और यह टेम्परेचर को रिड्यूस करता, टेम्परेचर को रिड्यूस करता, क्योंकि फीवर में क्या होता है टेम्परेचर अधिक बढ़ जाता है, तो उसे रिड्यूस, उसे कम करने के लिए क्या होगा, हम पैरासीटामॉल का प्रयोग कर देंगे। और कोशिश करेंगे हम लिक्विड फार्म में, वाटर जो है या लिक्विड फार्म जो भी लें, बुखार में सर्वाधिक लें, चाहे दाल का जूस हो या लिक्विड पानी हो, गुनगुना पानी हो, जितना ज़्यादा पिएंगे उसके लार्वी जो होते हैं वह सप्रेस होते हैं, फीवर डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, इसमें अमीन फंक्शनल ग्रुप है और इसका लेस साइड इफेक्ट होता है, लेस साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, ये है आपका पैरासीटामॉल। नेक्स्ट दवा आती है आपका सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ऐसी ड्रग है जो जेनाइटल ट्रैक, फीमेल जो होती हैं, फीमेल मादा महिलाएं, उनके जेनाइटल ट्रैक में फैलता है और यह फंगस और बैक्टीरिया दोनों के लिए से होता है। एल्बिडो कैंडिडा एक फंगस है, उसके थ्रू फैलता है जिसके इन्फेक्शन होता है उनके फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे यह नुकसानदेह होता है और वाइटिस मटेरियल निकलता है, पदार्थ निकलता है ना। इसके लिए हम सल्फोनामाइड ड्रग लेते हैं ना, जिससे यह प्रभावित होती है। ओरली यूज करते हैं या उसे लेपन के माध्यम से भी यूज करते हैं। यह क्या होती है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में पाई जाती है और यह क्या करती है, बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को कम करती है और यह क्या करती है, बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकती है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वह बाइनरी फीजन के थ्रू होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी फीजन, या एक घंटे में कई हजार फैल जाते हैं, इसी को यह सप्रेस कर देती है, कम कर देती है या रोक देती है ना, जिससे इसका फैलाव कम होता है। और एल्विकॉन्स कैंडिडा एक फंगस है, क्या है, फंगस, इसी के थ्रू इसका फैलाव भी होता है और बैक्टीरिया दोनों के थ्रू होता है या मोस्टली जेनाइल ट्रैक ऑफ फीमेल में पाई जाती है। और इसके लिए हम एक दवा और ले सकते हैं, PAVA भी ले सकते हैं, जो क्या होती है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, इसका फुल फॉर्म है और यह सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड करती है।
जो रेड बोन मैरस हुए सप्रेस करके क्या करता है, ब्लड के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है, ये सब दवाएं सल्फोनामाइड के बारे में आप जाने। अब ये साइक्लोवायर ऐसी दवा है या एंटीवायरल होती है क्योंकि यह वायरस से होता है, और यह हर्पीज में, वर्सेला में या इसका प्रभाव कोविड-19 में भी लिया गया ना। इस दवा का सबसे ज़्यादा यूज कोविड-19 में किया गया ना। यह एंटीवायरल वायरल के वायरस के विरुद्ध वर्क करती है। ठीक है, हर्पेला वायरस है जिससे यह नुकसान इसके कम होते हैं। ठीक है, यह क्या होती है, एंटीवायरल होती है, एंटी वायरल मीन्स अपोजिट ऑफ वायरस के विरुद्ध हो, हर्पीज में फैलती है, सिंपल हर्पीज वायरस। ठीक, टीट ऑफ जेनाइटल ट्रैक ऑफ वर्क, और यह चिकन पॉक्स और इसका सर्वाधिक प्रयोग कोविड-19 में भी किया गया। ठीक, कोविड-19 में भी किया गया, इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है कोविड-19 में किया गया। और यह करता क्या है, यह इनहिबिट करता है, प्रभाव को क्या करता है, कम करता है, किसके प्रभाव को इनहिबिट करता है, यह जानकारी रखना ज़रूरी है। इनहिबिट डीएनए पॉलीमरेज, इनहिबिट डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, वायरस जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा, और इससे क्या होगा कि जो डिजीज है वह उसका प्रभाव कम होगा और हम सुरक्षित महसूस होंगे। और वायरस के ऊपर इफेक्ट है इसलिए सर्वाधिक प्रयोग इसका कोविड-19 में किया गया। ठीक है, साइक्लोप्रोन समझ में आया, एंटीवायरल होता है, वायरस के विरुद्ध वर्क करता है, और यह हमें हर्पीज, वर्सेला और चिकन पॉक्स में इसका हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है, अधिक जानकारी हमें कोविड-19 मिली, मैक्सिमम लोग इसे यूज किए ना, और यह ओरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके बाद हम आते हैं सल्फामेथॉक्साजोल पे। किस पे, सल्फामेथॉक्साजोल पे। यह हमारे एक्सटर्नल पार्ट, जैसे एक इंटरनल का जो वाह होता है, जैसे स्क्रीटरी पर ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक, ई ट्रैक या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल ट्रैक पे जब उस इन्फ्लामेशन सूजन बढ़ जाती है तो क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है या ओरली यूज किया जाता है, यूज इसका ओरल किया जाता है। ठीक है, इसका यूज ओरल किया जाता है बच्चों, ओरली वाय मुख के द्वारा, नॉट फॉर इंजेक्टेड, ओनली फॉर ओरली हम यूज करते हैं। ठीक है, टॉप द बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि प्रोटीन के ही थ्रू यह फैलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रोटीन के ही थ्रू फैलेगा, तो इसे हम इसके सिंथेसिस को ही जब कम कर देगा तो इसका फैलाव रुक जाएगा और हमें प्रिकॉशन, हमारी सुरक्षा होगी। ठीक है, सल्फोनिक आयन का प्रभाव होता है,
नेक्स्ट पर चलेंगे, फेनोबर्बिटॉल। नेक्स्ट आती है आपका फेनोबर्बिटॉल। क्या फेनोबर्बिटॉल? इसका प्रभाव होता है सीजरिंग के, है या सीजरिंग पे प्रभावित करती है। जब जैसे किसी को मिर्गी के दौरा जो होता है ना, या अधिक मिचली आना, उल्टी होना ना, या मिर्गी, जैसे मिर्गी जो उसका सेंट्रल सिस्टम होगा CNS ना, या CNS को इन्फ्लेटिव करती है ना, क्या करती है, कंट्रोल ऑफ CNS, या इसे हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब सेम स्पेशली फंक्शन नहीं करेगा तो मिर्गी आएगी ना, जिसमें आदमी की शरीर का सिकुड़न होगा बहुत तेज, स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू उसकी शरीर बहुत सिकुड़ी हो जाती है। इसलिए हम इसे फेनोबर्बिटॉल का यूज करते हैं, उसे ओरली यूज देते हैं, और जिससे यह कंटिन्यू उसके कंट्रोल में रहता है, CNS सिस्टम कंट्रोल में रहता है। जब CNS कंट्रोल में रहेगा तो सीजर जो होगा उसका प्रभाव नहीं होगा, एंटी सीजर। देखो सीजर, सीजर मीन्स होता है मिर्गी आना, मिर्गी आना, ठीक है, मिर्गी का प्रभाव पेशेंट पे नहीं पड़ेगा। और यह सब प्रभावित अधिक होता है जैसे अल्कोहल ज़्यादा आप ले रहे हैं ना, एज सप्रेस ड्रग, ऐसी ड्रग ले रहे हैं जिससे आपके पेन किलर तवर्क, आपको हेलुसिनेशन मिल रहा है, आनंद तो मिल रहा है, जैसे कोडिंग मार्किन सब लिया जाता है, हीरोइन ना, तो इसका प्रभाव तो आपको पड़ जाएगा, बट वह उसका साइड इफेक्ट लेटेस्ट जाके अधिक प्रभाव करेगा। इसीलिए एल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए बच्चों, एल्कोहल या कोई भी ऐसी नशीली दवाएं नहीं लेनी चाहिए जिससे हमें प्रभावित करें। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चे सुसाइड कर लेते हैं ना, मिर्गी अधिक आती है, क्योंकि यही होता है, डिप्रेशन बढ़ता है तो सुसाइड की तरफ झुकाव हो जाता है। इसलिए इसे याद रखें, फेनोबर्बिटॉल यह कंट्रोल करता है CNS को और सीजरिंग में इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट दवा चलते हैं हम, डाइजाफेन, ठीक, या पैनिक होती है, ठीक है, डाइजाफेन या खौफ डर। कभी कभी आदमी को इतना खौफ, इतना डर हो जाता है, वह डर से या अंधेरे से, कभी कभी लाइट से, कभी लाइट से तो बहुत रेयर कंडीशन में, अंधेरे में या अकेले में बहुत दबाव महसूस होता है, इसीलिए उसे पैनिक होता है, जिससे दबाव, बहुत डर होता है, भय जिसे कहते हैं, सम आवाज़ के ही कारण उसे भय उत्पन्न होता है, जिससे जिसमें यह कारगर होती है, कंट्रोल करती है पैनिक, कंट्रोल पैनिक, ठीक है। और पैनिक को कंट्रोल करेगी तो इसमें क्या होगा, जब जब दबाव अधिक होगा, डर भय में जब जिएगा तो उसे क्या करेगी, इंड्यूस करेगी, किसे इंड्यूस करेगी, इंड्यूस स्लीप, सोने को प्रेरित करेगी ना? ठीक है, जिससे यह प्रभावी मसल्स को रिलीफ करेगी, देख रहे हैं, मसल्स को रिलीफ करेगी, प्रोवाइड द मेडिकल प्रोसीजर, वर्क एंड ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम पे वर्क करेगी, जिससे आपका डायलेट होगा, सिकुड़ेगा, और जब डायलेट फैलाव होगा तो ब्लड फ्लो होगा, जब ब्लड फ्लो होगा उस दबाव में तो क्या होगा, आपके ऊपर कोई भय की आर्टरी और वेंस में रेगुलर फ्लो ऑफ ब्लड होगा, जिससे आपकी पैनिक कंट्रोल में आएगी, ठीक है। इसलिए डर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है और एमीन है, डबल एमीन है, टू एमीन, ठीक। नाइट्रोग्लिसरीन वासोडाइलेटर है, या देखो वाइसोडाइलेटर है नाइट्रोग्लिसरीन, आपको बताया गया नाइट्रोग्लिसरीन जो है वासोडाइलेटर होता है, यह क्या करता है,
ऐसी ड्रग है जो आर्टरी और वेन को बताया गया ना कि उसी को डायलेट कर देती है, उसके फैलाव को। नहीं तो क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है, या हाइपरटेंशन के लिए एंजाइमा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, अगर उसी को सप्रेस कर देगा, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया, सप्रेस किया, तो क्या होगा, उसका फ्लो एक रेगुलर फ्लो नहीं होगा, और आपके अंदर जो टेंशन होगा, इससे क्या है, ब्लड क्लाटिंग होगी, तो हार्ट अटैक का रिस्क होगा, ठीक है। हाइपरटेंशन के साथ हार्ट फेलर आपका भी हो जाएगा, हार्ट फेल में भी यह प्रभावित होती है, हार्ट फेलर। हार्ट फेलर में भी यह प्रभावित होती है, और यह रिलीफ देती है किससे, आर्टरी एंड वेन को वासो डायलेटर करती है, इसके इंक्रीज करती है ना, मोर्टलिटी को प्रभावित करती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा रिस्क कम हो जाता है ना। इस दवा का सेवन हार्ट अटैक में किया जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जीरो बायोडीन, ठीक है। यह इसका ट्रीटमेंट जो होता है, मुख्य मैनेजमेंट ट्रीटमेंट जो है एचआईवी में किया जाता है, एचआईवी यह प्रभावित होती है, ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी, ठीक है। यह मुख्य ट्रीटमेंट किस में होता है, यह हमें ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी के लिए है। यह क्या कर देती है, प्रिकॉशन इसलिए होता है इसका, इनहिबिट कर देती है एच आई वी के रिवर्स पॉलीमरेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, इसके जो एच आई वी है प्रोटीन सेकंड पे यह बाइंड करता है, और इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ही थ्रू या इसका फार्मेशन होता है, और इसी को सप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है, मतलब कम कर देता है, तो जब कम करेगा इसका प्रभाव कम होगा, और यह हमें कई दिनों तक, कई सालों तक प्रभावित बनाए रखता है, और जिससे हमारी सुरक्षा होती है एच आई वी के लिए। एच आई वी के ट्रीटमेंट के लिए मुख्य दवा कौन सी है, जाइडोबुटिन, ठीक है। उसके बाद ड्रग का जो मुख्य है खोज है, लास्ट में आपका एक पैरा में दिया गया है, जैसे मॉर्फिन की डिस्कवरी ना, कोडीन की ना, एसिटिलीन की, जो भी एस्पायरीन है, पैरासीटामॉल है, उसकी डिस्कवरी किस सत्र में हुई ना, और ये छोटा सा एक पैरा है, उसे आप देख सकते हैं, और उसमें विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो भी जब पूछता है तो बहुत रेयर कंडीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं ना, और उसका कोई विशेष निपट नहीं है। दवाएं लगभग आपकी सब सिंथेसिस खत्म हो गए हैं बच्चों, हर दवा का आपका सिंथेसिस बता दिया गया है। कोशिश करिए कि आप फिजिकल वर्क अधिक करें ना, स्ट्रेस अधिक रहें, आप डिप्रेशन में ना जाए। अगर आपको हल्का डिप्रेसिव हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है, तो इसका सबसे बेहतरीन इलाज जो है फास्ट मूव करें ना, या थोड़ा तेज में हंसें ना, या आपको और कुछ करना चाहते हैं तो हल्का दौड़ें, फिजिकल वर्क कर दें, तो डिप्रेशन कम होगा। कोशिश करें ना, सुबह मॉर्निंग में हल्का फिजिकल वर्क, या आप इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिले कर लिया करें, जिससे आपके स्वस्थ बना रहे ना। ये सभी दवाएं हैं आपके जीवन में प्रभावित करेंगी, और कोशिश करें कम से कम प्रयोग करें, जिससे इसका साइड इफेक्ट कम हो, ठीक। फिर नेक्स्ट मिलते हैं बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स बच्चों, नेक्स्ट हम मिलेंगे
नए चैप्टर के साथ।